देखिए, अगर मौसम की बात करें तो जो मई माह में पहली तारीख से ही पूरे प्रदेश में देखिए जो रेनफॉल का सिलसिला जारी है और ये पिछले कल तक जारी रहा है, तो इसके चलते जो तापमान थे मैक्सिमम टेम्परेचर भी और न्यूनतम तापमान भी, तो मई माह में अभी तक मतलब कल तक ये सामान्य से कम थे। मतलब जो मैक्सिमम टेम्परेचर थे वो एवरेज प्रदेश में 4 से 6 डिग्री कम दर्ज किए गए इस पूरे स्पेल में, और न्यूनतम तापमान भी बिलो नॉर्मल थे। तो ऐसा जो मतलब कंडीशन थी जब आपके मई माह में जो तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम है, तो ऐसी स्थिति वर्ष 1987 में थी, वो भी मतलब मई माह में कंपेयर करें तो पहले जो 8 दिन थे। और अगर रिकॉर्ड की बात करें एक्सचेंज की, तो 2 स्टेशन पे जो न्यूनतम तापमान है वो ब्रेक हुआ है, किसी जो बारिश अभी दर्ज की गई थी, एक तो किलोंग में रिकॉर्ड किया गया था -2.6 9 तारीख की मॉर्निंग को। इससे पहले रिकॉर्ड था किलोंग का -1.6 डिग्री सेल्सियस, 2019 का था। इसके एक स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला, वहाँ पे जो 1 और 8 तारीख को मई को जो न्यूनतम तापमान था वो 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके पूर्व सन 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 8.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। सर, जिस तरह से बदलाव हो रहा है, बात करें मई का महीना चल रहा है, लगातार बारिशें हो रही है, गर्मी कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है, तो क्या ये अभी भी सिमिलर आगे इसी तरह चलता रहेगा या कुछ अभी और चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी जो पिछले दिनों जो बारिश हुए प्रदेश में दर्ज की गई, ये एक्टिव डब्ल्यूडी था और इसके इन्फ्लुएंस से ही जो हमारे प्लेन और मिडिल की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मॉडरेट तक रेनफॉल दर्ज की गई है, और हाई डिस्ट्रिक्ट जैसे बात करें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, यहाँ पे हाई डिस्ट्रिक्ट स्नोफॉल भी रिकॉर्ड की गई है। अभी देखिए, जो आगामी 3 दिन हैं, आज और 11-12 तारीख तक मौसम प्रदेश में मुख्य रूप से साफ रहेगा, फिर 12 तारीख की लेट नाइट से एक डब्ल्यूडी प्रदेश में अप्रोच कर रहा है। उसका जो इफेक्ट है वो 13 और 14 तारीख को जो प्रदेश के जो मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे इन फॉर्म ऑफ जैसे बारिश होगी, लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकती है मिड हिल्स और हाई हिल्स में, साथ ही जैसे लाहौल स्पीति है या कुल्लू है इसके हर चीज़ में हल्की स्नो होने की संभावना भी है 13 और 14 तारीख को। अब देखिए, जैसे ये जो आज और 11-12 तारीख को जो मौसम साफ रहेगा, इसके चलते जो तापमान है वो ग्रेजुअली 3 से 5 डिग्री पूरे प्रदेश में राइज करेंगे,